एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के सेट फोर के बारे में। इससे पहले तीन वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। नेम ऑल दी नोबल गैसेज फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितनी गैसेस हैं। ये हमने बताना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर 18 ग्रुप के अंदर कुछ नोबल गैसेस प्रेजेंट होते हैं। नोबल गैस एक्रिय गैसें होती हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों रिएक्ट नहीं करती? क्योंकि ये स्टेबल होती हैं। क्योंकि कोई भी एलिमेंट तब रिएक्ट करता है जब उसको स्टेबिलिटी गेन करनी हो, जब उसके पास किसी न किसी चीज़ की कमी हो। सो हमें बताना है कि नोबल गैस के नाम क्या क्या हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट होती है। सो फर्स्ट नोबल गैस हमारे पास होती है हीलियम। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2। सेकंड हमारे पास नियोन, जिसको Ne से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर 10 है। थर्ड जो नोबल गैस है वो होती है आर्गन, आर से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। नेक्स्ट फोर्थ नोबल गैस हमारे पास है क्रिप्टॉन, जिसको के आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर क्रिप्टॉन का होता है 36। नेक्स्ट नोबल गैस हमारे पास है जीनॉन, जिसको एक्स ई से रिप्रेजेंट करेंगे एंड एटॉमिक नंबर इज 54। नेक्स्ट नोबल गैस इज रेडोन, रेडोन को आर एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एटॉमिक नंबर होता है रेडोन का 86। एंड लास्ट नोबल गैस हमारे पास है ओगेंसन, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐड किया गया है, नोबल गैसेस के अंदर ऐड किया गया है ओगेंसन, जिसको ओजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओगेंसन जिसको ओजी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इसका एटॉमिक नंबर है 118। सो ये कुछ नोबल गैसेस हमारे पास हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर होती हैं, जिनको यहाँ पे हमने टेबल के अंदर भी दिखाया हुआ है। फर्स्ट हीलियम, सेकंड नियोन, थर्ड आर्गन एटॉमिक नंबर 18, फोर्थ क्रिप्टॉन, देन जीनॉन, रेडोन एंड ओगेंसन। ये कुछ हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेस होती हैं। टोटल कितनी नोबल गैसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल 7 नोबल गैसेस प्रेजेंट होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज अ वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड के नेम से किस एलिमेंट को जाना जाता है? तो वाइट गोल्ड के नेम से जाना जाता है प्लैटिनम को, प्लैटिनम जिसको PT से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लैटिनम पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ट शाइनी मेटल है, सबसे चमकदार धातु है प्लैटिनम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्लैक लेड। ब्लैक लेड के नेम से किस एलिमेंट को जाना जाता है? ब्लैक लेड से ग्रेफाइट को जाना जाता है, ग्रेफाइट जो कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, कार्बन का ही एक एलोट्रोप होता है जो गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करता ही है। ओनली एक ऐसी नॉन मेटल है ग्रेफाइट, कार्बन का एक ऐसा एलोट्रोप है जो कंडक्टर होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। बाकी कोई भी नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी को, वो बैड कंडक्टर होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विच एलिमेंट फाउंड अबंडेंटली इन सन एंड स्टार। सन एंड स्टार के अंदर कौन सा एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 118 तत्वों में से कौन सा तत्व ऐसा है जो ज़्यादा अमाउंट में सन एंड स्टार में पाया जाएगा? सो वो होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और सन एंड स्टार के अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, नेम द नोबल गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी नोबल गैस को यूज किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है आर्गन को, जिसको AR से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। AR इज आर्गन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है? इंडिया में पाया जाने वाला जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो है थोरियम, थोरियम, THORIUM, थोरियम, जिसको हम TH से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेम द ओर ऑफ द थोरियम, यहाँ से ओरियम, थोरियम का जो ओर है वो भी पूछा जा सकता है। जो थोरियम का ओर है वो होता है मोनाजाइट, मोनाजाइट, मोनाजाइट इज द ओर ऑफ द थोरियम। ऐसे ही हमसे यूरेनियम का ओर भी पूछ सकते हैं, यूरेनियम का ओर का नाम क्या होता है? सो यूरेनियम के ओर का नाम होता है पिच ब्लेंडे, पिच ब्लेंडे। बहुत सारी मेटल्स हैं जिनके ओर पूछे जा सकते हैं, बहुत सारी नॉन मेटल भी ऐसी होती हैं। सो हमें एलिमेंट्स के जो ओर हैं उनका पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, नेम द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। प्रोडक्ट टेबल के अंदर कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होगी? सो प्रोडक्ट टेबल के अंदर हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, नेम द एलिमेंट विच फाउंड अबंडेंटली इन ह्यूमन बॉडी। पहले हमने जस्ट यूनिवर्स के अंदर देखा था कौन सा एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की अब। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है? सो वो होता है ऑक्सीजन। इंसान के शरीर के अंदर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द मिनरल फाउंड अबंडेंटली इन ह्यूमन बॉडी। अब मिनरल कौन सा है जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है? बहुत सारे मिनरल होते हैं हमारी बॉडी में, लाइक आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे होते हैं। सो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे टीथ के अंदर, बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कैल्शियम इज अ मेटल। नाउ हाउ मेनी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने मेटल्स होते हैं, कितने नॉन मेटल्स होते हैं और कितने मेटलॉइड्स होते हैं? सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 91 मेटल्स हैं, 17 नॉन मेटल्स हैं एंड 7 मेटल हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 11 गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अभी हमने देखा था 7 नोबल गैसेस प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, नेम द ओनली मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने आपको बताया था ऐसी कौन सी मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है, और वो नॉन मेटल होनी चाहिए। नॉन मेटल कौन सी ऐसी है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? सो वो है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विच इज़ अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का ही एक एलोट्रोप होता है जिसको हम ब्लैक लेड के नाम से जानते हैं, ब्लैक लेड के नाम से भी जाना जाता है ग्रेफाइट को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटेस्ट गैस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है? सो लाइटेस्ट गैस जो पीरियोडिक टेबल के अंदर होती है वो होती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, जिसको H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मास नंबर भी 1 होता है। इसके अंदर 0 प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, नेम द एलिमेंट फाउंड अबंडेंटली इन अर्थ एटमोसफियर। अर्थ एटमोसफियर में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट पे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा? सो अर्थ क्रस्ट पे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इन सब के अंदर से अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन अबंडेंटली पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल फाउंड ऑन अर्थ सरफेस इन मैक्सिमम क्वांटिटी। विच मेटल, कौन सी मेटल अर्थ सरफेस पे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है? मेटल की बात की गई है, कौन सी मेटल अर्थ सरफेस पे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है? सो वो होती है यहाँ पे एलुमिनियम। सो ये थे 60 क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसके अंदर हमने मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं, उनको डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो।
अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सेशन पसंद आया, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कंटिन्यू आगे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच